hello students so today we are going to study speaking innovations that is in integrating art in projects of english so students this is a very important topic because now we have to make beautiful projects integrating arts should be there so now already i have done on speaking uh, listening innovations we have done and that video was liked by everyone and uh, i think many students benefited दिस इज़ द सेकेंड वीडियो इन विच आई एम गिविंग आइडियाज फॉर स्पीकिंग इनोवेशन्स हाउ यू कैन यूज स्पीकिंग इन आर्ट्स ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे हम आर्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए तो बच्चों ये बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं इसमें आई होप यू व लाइक द वीडियोज सो लेट स्टार्ट आपको जैसे ही मैंने पहले बता दिया था कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश वॉट इज टीचिंग ऑफ इंग्लिश इट इज डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो लिसनिंग स्किल्स को हम अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे उसमें हम आर्ट को इंटीग्रेट करके उसको मॉर इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीकिंग इन्ोवेशन ओके अब देखिए आप जैसे कि आप कोई भी एक पिक्चर ले सकते हैं दो अलग अलग पिक्चर्स दे सकते हैं एक ही उसमें आप उसको कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करके आप स्पीक कर सकते हैं उसके ऊपर आप बोल सकते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें इवेंट्स हैं इवेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं पहले ओके okay, कि इन दिस फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी दिस इवेंट इज दिस इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दिस इट इज लाइक दिस सेटिंग्स सेटिंग्स आप बता सकते हैं है ना कि कैसी सेटिंग्स हैं सेटिंग्स का मतलब उसका अपना प्रूट कैसा है उसका सीनरी कैसी है उसमें कौन कौन सी चीजें आपने ऐड की हैं इज अ विलेज द इज अ बिग ट्री है ना तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आपकी डिस्क्रिप्टिव जो आप करेंगे डिस्क्राइब करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा आप कैरेक्टर्स को उसमें डिस्कस कर सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जैसे यहाँ तो मैंने दो सीनरी आपको दे दी है आप सीनरी में भी यू कैन इफ यू सी माइन्यूटली यू विल सी कि एक में डार्कनेस है एक में थोड़ी ग्रीनरी है दूसरा एक उसको बता रहा है है ना कोई हैं कुछ बिल्डिंग्स अलग टाइप की हैं कोई भी पेड़ नहीं है उसमें इस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें पेड़ हैं इसमें हाउसेस भी थोड़े अलग टाइप के हैं अब आप इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं मेरी इंटरप्रिटेशन एंड आई योर इंटरप्रिटेशन विल बी इंटायरली डिफरेंट अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या थी कि हम जब बात करते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट तो ये सिग्नल वर्ड्स हैं फंक्शनल लैंग्वेज है इसको आप यूज़ करिए सेम कंपेयर के लिए हम सेम यूज़ कर सकते हैं द सेम एज सिमिलर सिमिलरली ऑल्सो टू एज वेल एज लाइक वाइज ऑल्सो बोथ तो मेन हमारा उद्देश्य पेंटिंग्स को देखना नहीं है हमारा उद्देश्य क्या है कि हम स्पीकिंग स्किल्स को सुधारें अपनी इसके लिए हमने ये लिया है कंट्रास्ट के लिए हम कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं बट हाउ एवर वाइल ऑन द अदर हैंड डिफरेंट डिफरेंस डिफरेंटली लाइक ऑल दो इवन दो आपको ये बहुत से साइंस में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना पड़ता है बहुत सी चीज़ों में ये आपको फ़ायदा देगा ओके okay. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे आप कोई भी एक ऐड ले लीजिए जैसे एक मैंने आपको एक पिक्चर दी है यहाँ पर तो आप एक पिक्चर ले सकते हैं आप चाहे तो उस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड आर्ट कर लेंगे उसमें आप है ना और उस पिक्चर को आर्ट इसमें आप देख रहे हैं टी कि टी हमारे घर में कैसे आती है तो ये द प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप इसको बोल सकते हैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में फिर ये देख रहे हैं आप कुछ ये मैंने यहाँ पर नीचे ऐड दिया है ये ऐड जो है विंटेज ऐड है यानी कि पुराने ऐड है आजकल ऐसे ऐड्स नहीं आते आजकल तो बिल्कुल नए स्टाइल के ऐड आने लगे हैं तो आप बता सकते हैं कि विंटेज ऐड में और मॉडर्न ऐड्स में क्या डिफरेंट होता है है ना और इसमें क्या uh, क्यों ये ऐड आते थे इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं यानी कि आपको स्पीक करना है ना मेन पर्पज इस आपको बोलना है और आप इस देखिए इसमें ये फंक्शनल लैंग्वेज मैंने यहाँ भी दी है कि जब आपको पर्सनल ओपिनियन देनी हो तो इन माई ओपिनियन आई फील दैट आई वुड से दैट इट सीम्स टू मी दैट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट स्पीकिंग पर्सनली एज आई ये बहुत ही अच्छे अच्छे जो हैं ये पर्सनल ओपिनियन को हमारी पर्सनल विचारों को प्रकट करने के लिए हम ये वर्ड्स को यूज कर सकते हैं गिविंग रीजन जब हम रीज़न कारण देते हैं आई टेल यू ऑल दि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये ये एड कौन सा है या ना ये रीजनस देना आई बेस माई आर्ग्यूमेंट आओ कोई अगर आर्ग्यूमेंटिव आप टॉपिक पर बोल रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई एम ऑलरेडी थिंकिंग दैट बिकॉज पर्सनल डाउट अगर आपको पर्सनल डाउट है किसी को एक्सप्रेस करना आई एम नॉट श्योरफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट आई एम नॉट कन्विंस्ड आई डाउट दैट बच्चे ये स्पीकिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हम आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए बहुत ज़्यादा वो कहते हैं तो ये सब वर्ड्स अगर आप याद कर ले तो आपका बहुत बढ़िया से इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा डिसएग्रीमेंट अगर आप किसी से विरोध कर रहे हैं किसी का आप एग्री नहीं कर रहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं है ना आई एम सॉरी बट आई एम ऑफ डिफरेंट ओपिनियन देखिए एक होता है कि जैसे हम एक बहुत रैश लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं कई बार क्योंकि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को हमने अच्छे से जाना नहीं हम बोल देते हैं आई डोंट लाइक दिस कलर वाई हैव यू पुट रेड कलर आई डोंट लाइक दिस रेड कलर तो दूसरे आदमी को हर्ट होता है और हमारी भाषा कैसी हो गई बहुत रैश हो गई इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं आई थिंक हेयर ग्रीन कलर वुड बी मोर सूटेबल ये हम बोलते हैं जबकि मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रीन कलर आई एम सॉरी बट आई एम ऑफ डिफरेंट ओपिनियन इफ़ यू एड ग्रीन कलर हेयर हमने यही बोला कि रेड कलर नहीं लगाओ ग्रीन कलर लगाओ लेकिन हमने कितने अच्छे से बोला सफिस्टिकेटेड तरीके से बोला दिस इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग ये हमको सीखना है है ना जैसे हम किसी से एग्री नहीं कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे शट आफ यू यू आर टॉकिंग रॉन्ग आई आई विल नॉट टॉक विथ यू इस टाइप से बोलने से हमारी एक uh, कहेंगे ना कि इलिटरेट uh, साबित होते हैं हम तो हम उसको बहुत सॉरी आई कॉन्ट एक्सेप्ट योर ओपिनियन है ना आई डोंट एग्री विद दैट ये बच्चों ये स्किल्स हैं जिनको हम यहाँ सीखेंगे यू टुक द एक्सप्रेशन सपोर्ट सपोर्ट मांग यू टुक द वर्ड राइट ऑफ माई माउथ अगर कोई हमारे सपोर्ट में तो उसको बोलते हैं ना तुमने शब्द मेरे मुंह से छीन लिए यानी कि मैं भी यही कहना चाहता था दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू आर राइट आई स्ट्रांगली एग्री विद यू यू आर क्वाइट राइट तो जो बच्चे वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये जो लैंग्वेज है फंक्शनल लैंग्वेज इसको सीखे और इस टाइप की पिक्चर्स को लेके या ड्रॉ करके आप कर सकते हैं ये देखिए ये तो मैंने पुराना विंटेज है अब ये देखो जैसे टेस्ला टेस्लाइजर लेटेस्ट कंपनी ये बाइक्स हैं लेटेस्ट ये देखो ये कोई बुक है जिसको आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप ये एक बुक लेके उसका रिव्यू पढ़ सकते हैं आप उसके ऊपर रिव्यू बोल सकते हैं कोई बाइक है उसके बारे में बता सकते हैं टेस्ला है, क्या है क्यों आई है क्या इसके वो पॉइंट्स उसको आप एक अपना स्पोकन एक तैयार कर सकते हैं तो ये आपकी आर्ट इंटीग्रेशन है यही आर्ट इंटीग्रेशन है स्टेटिंग समथिंग एज फैक्ट एवरीबडी नोज़ दैट इट इज़ नॉर्मली एक्सेप्टेड दैट देर कैन बी नो डाउट दैट एज एवरीबडी नोज नो बडी विल डिनाई दैट And of is उसी पॉइंट को हमको और इलेबरेट करना है मॉर ओवर इन एडिशन टू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सेगजाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम अपनी बात को खत्म करने जा रहे होते हैं तो हमारे में ऐसे वर्ड्स हमको यूज करने चाहिए जिससे लोगों को पता लगे कि ना आई एम समराइजिंग तो लोग ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे फाइनली द ऑब्वियस कंक्लूजन इज समिंग अप आई मस्ट से दैट इन कंक्लूजन वी कैन से दैट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यानी कि बड़ी कहानी को छोटे में बोलूँ तो यानी कि समराइज़ करना फिलर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशंस को भरने वाले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे क्या ओके ऑल राइट यू नो अगर हम कहीं अटक गए बोलते बोलते भूलने लग गए या कहीं हमारी कोई वो हो गई तो हम इन चीज़ों को वॉट आई मीन इज़ सो वेल वेल एनी वे ये वर्ड्स तो बच्चों ये जो मैंने आपको आइडियाज़ दे रही हूँ मैं तो आप अपना जो पावर पॉइंट ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं स्पीकिंग पे बनाना चाहते हैं तो ये आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं आप अपनी पिक्चर दिखाइए उसको अपनी स्पीकिंग स्किल्स को पूरा रिकॉर्ड करिए और बनाइए अपना प्रोजेक्ट देखो जैसे एक मूवी है टॉम एंड जेरी द लास्ट ड्रैगन ज़्यादातर बच्चों ने मूवी मैंने ये मूवी इसलिए ली क्योंकि इसका मैंने लिंक भी दिया है अगर आप चाहें तो इस पिक्चर को देख सकते हैं बहुत ही बच्चों को मजा आता है देखने में मैं भी आज तक देखती हूँ इनको तो ये जो लास्ट ड्रैगन है है ना तो ये इसमें हम पिक्चर दिखा के एक या कुछ ऐसा ये भी आर्ट है जरूरी नहीं कि हम आर्ट बनाने से ही आर्ट होती है है ना ये हमने एक मूवी आप बच्चों को दिखाई आपने क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपने पहले थोड़ी सी मूवी दिखाई पूरी दिखाने की जरूरत नहीं है थोड़ी सी भी दिखा दें जैसे आपके पास अगर दस मिनट है तो दो तीन मिनट में ही दिखा के इसको शॉर्ट में जल्दी से फिर आप बताइए कि इसकी हिस्ट्री क्या है टॉम एंड जेरी को कौन लाया कौन इसका डिज्नी में कौन है औरजिनेटर्स इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं है ना ये बताएंगे आप ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं व्हाट वुड यू क्रिएट इन सिमिलर सेटिंग्स ऐसी ही सेटिंग्स में और कौन कौन सी कहानियाँ बना सकते हैं आप अपनी ये आपकी क्रिएटिविटी भी शो हो रही है है ना आपकी इमेजिनेशन स्किल्स भी आ रही हैं और आप इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को सभी क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आपकी बात सुनने पे मजबूर करते हैं तो ये मेरे आइडियाज़ हैं आप दूसरी पिक्चर ले सकते हैं आप कोई और मूवी ले सकते हैं या कोई और क्लिप ले सकते हैं दैट इज़ अप टू यू के दीज आर ओनली आइडियाज सो दैट यू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स अब इसमें और भी हम क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया इस पिक्चर को दिखाने का मेन आइडिया क्या है टर्न एंड टॉक ये रिटेल योर स्टोरी टू पार्टनर जैसे मैंने आपको बताई अब आप आगे बताइए तो एक ही हम क्लास में गेम भी खेल सकते हैं और आपस में हम ये स्टोरी को बार बार बताएंगे तो हमारी सबकी स्पोकन स्किल्स नेचुरली इम्प्रूव होंगी वट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मूवी मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा था टर्निंग पॉइंट कौन सा था ट्रैजिक पॉइंट कौन सा था मोस्ट कॉमेडियड पॉइंट कौन सा था ये सब चीज़ें आप ये मैं तो आपको सिर्फ एक आइडियाज दे रही हूँ वॉट डू यू वॉन्ट टू रिमेंबर इन दिस मूवी इस मूवी में आप क्या याद रखना चाहते हो क्या भूल जाना चाहते हैं है ना आस्किंग क्वेश्चन वट क्वेश्चन डू यू स्टिल हैव अभी भी आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत से हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट वुड यू आस्क द डायरेक्टर अगर आपको डायरेक्टर से इंटरव्यू करने का मौका मिले तो आप क्या क्वेश्चंस पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट है ना ये सब चीज़ें तो ये तो हो गया मूवी का एग्जांपल. अब देखिए एक दूसरा ये बिल्कुल दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती चाहिए आप ग्रीटिंग कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं आर्ट हो गया है ना आप ड्रॉ कर लिए उसमें बढ़िया सा कोई कोटेशन लिख लीजिए या टूर टू द मोस्ट अमेजिंग फ्रेंड या टू माय डियर फादर टू माय बर्बर ब्रदर जिसको भी आप एक कार्ड देना चाहते हैं या टीचर्स डे पर टीचर्स को देना चाहते हैं तो आप मोनोलॉग कर सकते हैं मोनोलॉग क्या होता है कि वन वन पर्सन उसमें बोलता है पूरा तो आप बता सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि फ्रेंड इज़ लाइक तो आप सिम्बलीज का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड इज़ लाइक एंजल फ्रेंड इज लाइक फ्ला फ्रेंड इज़ लाइक रेन फ्रेंड रेनबो बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं और इसको बहुत ही अमेजिंग uh, रूप से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपना तो ये मोनोलॉग्स जो होते हैं ये बहुत आपको हेल्प करते हैं आप देख रहे हैं आजकल लोग स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहे हैं और वहाँ पे कॉमेडीज देख अपने अपने छोटे छोटे मोनोलॉग्स करते हैं जिसमें लोगों को बहुत मज़ा आता है तो ये दिस कैन बी अ गुड जॉब ऑल्सो इन फ्यूचर इफ़ यू आर गुड एट स्पीकिंग नेक्स्ट लोगोस ये लोगोज़ हम बहुत देखते हैं इसके ऊपर हम इतना बढ़िया बोल सकते हैं अपनी जैसे कि ये कंपनी ने ये लोगो ही क्यों यूज़ किया उसमें ये कलर क्यों यूज़ किया उसने उसको ऐसे क्यों बनाया तो इस सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है हम उसको ढूंढें और फिर उसको प्रेजेंट करें कितना इंटरेस्टिंग होगा जैसे बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है जैसे एप्पल वाले एप्पल ही क्यों करते हैं और एप्पल आधा कटा हुआ क्यों बताते हैं है ना ये जो प्यूमा वाले हैं वो ये बेयर को लाते हैं है ना मैकडोनल्ड वाले इतना लंबा एम क्यों बनाते हैं ये ओलंपिक्स में फ़ाइव सर्कल्स क्यों होते हैं हर सर्कल का अलग अलग कलर क्यों होता है तो ये बहुत सारे हैं तो लोगों को मैंने आपको इसलिए बताया कि ये एक टॉपिक है जिसमें आप बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं दिस इज़ आर्ट इंटीग्रेशन सिंपल स्केलेबल है ना ग्रेट और मेमोरेबल इम्पैक्टफुल होना चाहिए जैसे इम्पैक्ट वर्सेटाइल है ना वर्साटाइल माने जो सब जगह आपका चले रेलिवेंट हो रेलिवेंसी बहुत ज़रूरी है तो ये रेलिवेंसी हमको पता करनी है कि क्या है जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपको बहुत से लोगों आप ये क्विज भी करा सकते हैं ऐसे क्लास में और फिर उसके ऊपर बोल सकते हैं जैसे आप बच्चों को एक तरफ कंपनी के नाम दे दीजिए एक तरफ लोगोस दे दीजिए और बोलिए मैच करिए फिर बच्चे मैच करें उसके बाद आप उस पर स्पीक करिए तो नेचुरली सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि हमने सही किया कि गलत किया पता लगाने के लिए दूसरा कि उसमें क्या है जैसे ट्विटर में बर्ड को क्यों दिखाते हैं क्योंकि बर्ड ट्वीट करती इसलिए ओके लेट्स फाइंड आउट ये क्रिएटिविटी है दिस इज़ आर्ट इंटीग्रेशन नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक मैं आइडिया मेरे दिमाग में था ये कि जैसे हम कोई भी ऐड ले लें जैसे शैम्पू है ये हमने एक बॉटल ले ली ये एक बॉटल ले ली तो हम क्लास uh, में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस गेस करिए यू कैन गेस तो बच्चे गेस करेंगे फिर हम उस पर अपनी प्रेजेंटेशन uh, दे सकते हैं कि वाई इट इज़ मेड हाउ इट इज़ यूज एंड वॉट प्रोडक्ट लास्ट में हम प्रोडक्ट का नाम बताएं लास्ट में बताएंगे प्रोडक्ट का नाम पहले हम उसकी सारी खूबियाँ बताएंगे क्या है क्या नहीं क्या है तो ये क्या है कि अगर आप कल को किसी मैनेजमेंट जॉब करते हैं तो आपको इस तरह की स्किल्स अगर आपकी अभी से शार्पन हो जाएंगी तो नेचुरली इन फ्यूचर यू विल बी डूइंग ग्रेट तो ठीक है ना बच्चों और मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ थोड़े से ये देखिए जैसे पपिट शो स्टोरी टेलिंग है ना एलिस इन वंडरलैंड ये सब स्टोरीज हैं मैजिक पॉट हैं तो ये दो पपिट शो शेडो पपिट्स भी हम बना सकते हैं जैसे हम गत्ते का डब्बा ले लें और उसको चारों तरफ से बंद कर लें बस एक उसका माउथ खोल दें और ऊपर से हम उसमें पपेट्स लटकाएं मैं भी आपको आगे और आइडियाज दूंगी और आप एक पपेट शो कर सकते हैं और आप कमेंट्री कर सकते हैं दिस इज माय डॉल शी इज कमिंग एंड दिस इज माय डॉग ही इज डूइंग दिस नाउ द थी कम्स इन माई हाउस एंड हैड अ फाइट फिर आप उसमें कितना इंटरेस्टिंग होगा और कितना आपका एक्स्ट्राऑर्डनरी होगा ये आइडिया इसको आप करिए और अगर अभी आप जैसे आप ऑनलाइन नहीं कर ऑनलाइन करना है तो आप इसको करिए और अपने किसी को बोलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दे तो दिस विल बी ग्रेट और ये बिल्कुल नहीं स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं आप स्टोरीज़ दिखा पिक्चर पिक्चर दिखाते जाइए और पीछे पीछे स्टोरी बोलते जाइए तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स नेचुरली इम्प्रूव होंगी ओके नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरी टेलिंग थ्रू पपेट शो ये मैं बोल रही थी कि पपेट शो देखो इसमें आइडिया देखो गत्ते का डब्बा ये वाला मैं कह रही थी ना कि देखो इसमें दो बच्चे से बना लिया एक काऊ है और एक अनियन uh, है उसको ऐसे कॉमे कॉमिक कैरेक्टर बना लिया नीचे कॉटन कलर करके रख दी और ये पपेट शो बनाया ये देखिए ये सारी आइसक्रीम uh, की जो स्टिक्स होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स चिपका लिए और इनको स्टोरी बता रहे हाथ में ऐसे पहन लिएँ ये देखिए ये बच्चा लायन एंड द रेबिट की स्टोरी बता रहा है कितने कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ऐसे आप भी कर सकते हैं ये देखिए ये वाले में चौक में है ना तो क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही है वो डक है एक में डक है एक में स्वैन है सॉरी एक में पीकॉक है वो स्टोरी है है ना सो यूज प्रॉपिट्स उसको आप यूज़ कर सकते हैं ये आपकी लैंग्वेज असिस्टेंट के लिए आपको दिया हुआ है मैंने फंक्शनल लैंग्वेज जैसे जॉय शो करने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करिए सैडनेस के लिए सरप्राइज़ के लिए है ना एंगर के लिए डिस्गस्ट के लिए फियर के लिए तो ये सब वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और आप कितनी सारी वोकेबुलरीर इंप्रूव करेंगे और आपका टोन आप जब बोलेंगे जब आप उस स्टोरी को सुना रहे होंगे तो आपका टोन बहुत मैटर करेगा आप बोलेंगे हेयर कम्स माई डॉग एंड हेयर कम्स माई कैट एंड हैव अ फाइट फिर आप बोलेंगे ओ आई एम सो सॉरी फिर आपकी आवाज़ नीचे जाएगी तो आपकी जो इंटोनेशन है जो आप रीडिंग स्किल्स सीखते हैं क्लास में वो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्राई इट प्लीज़ ट्राई इट ये आपको बहुत क्रिएटिव बनाएगा बच्चों और ये मैंने आपको सिक्वेंसिंग वर्ड लिस्ट दी है सीक्वेंसिंग वर्ड लिस्ट क्या होती है जब आप कोई स्टोरी बना रहे हैं जब आप कोई न, कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसमें इन द बिगिनिंग फिर मिडल एंड इन वर्ड्स को ये फंक्शनल लैंग्वेज है इसको आप अपने पास नोट करके रखिए इसको आप याद करिए फर्स्ट नेक्स्ट देन फाइनली देख रहे हैं आप फर्स्ट द गर्ल टेक्स आप इस टाइप से चार पिक्चर लगा के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो गया आपका ये है ना तो ये स्पीकिंग स्किल्स के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इसमें अच्छा बहुत कुछ क्रिएटिव करेंगे डू सेंड मी योर वीडियोज़ वैन यू मेक योर वीडियोज़ प्लीज सेंड टू मी ऑन माई वेबसाइट यू नो इंग्लिश गुरु सुजाता डॉट कॉम एंड आई हैव गॉट माई वीडियो यूट्यूब चैनल इफ़ इट इज़ नाइस आई विल जस्ट सेंड योर वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब सो दैट एवरीबडी कैन सी देम बिकॉज माई एम इज़ टू टीच यू इट इज़ नॉट एनी अदर एम सो प्लीज स्टूडेंट्स And like the channel and subscribe and keep watching thank you